नमस्कार। जिंदगी से शिकायतें हर एक को होती हैं कि हम ये बनना चाहते थे, हम ये नहीं बन पाए, लेकिन सच ये है कि हम आज वही हैं जो हम बनना चाहते थे। अगर कोई चीज आपको नहीं मिल पाई है, अगर कोई मंजिल ऐसी है जहां तक आप नहीं पहुंच पाए हैं, तो आपके उस मंजिल तक पहुंचने के प्रयास उतने तगड़े, उतने मजबूत नहीं थे कि आप वहां तक पहुंच पाए। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, पूरी मेहनत को जुटाइए, हमारे साथ चलिए, हम आपको वहां पहुंचाएंगे जहां आपको वाकई होना चाहिए, और आपका साथ देंगे ज्योतिष गुरु। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी नमस्कार। तो आइए, ज्योतिष गुरु है साथ, तो दिन को दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी जाए इनके साथ। सबसे पहले पंचांग। आज 4 जनवरी 2020 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। पौष मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। नवमी तिथि है देर रात 1:33 तक और उसके बाद दशमी तिथि है। रेवती नक्षत्र है सुबह 10:05 तक और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 10:05 पर। आज पंचक समाप्त हो रहे हैं सुबह 10:05 पर। तो पंचांग आपने जाना, मेष और वृषभ अब आपको जानना है आज के दिन को। तो दिन को जानिए, फिर प्लानिंग हम करते हैं आपकी। मेष राशि वालों को अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा और किसी भी तरह के तकरार से भी बचकर निकल जाने की जरूरत पड़ेगी। हालात संभले हुए हों तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे अपने भटकते हुए विचारों की वजह से बिगाड़ते चले जाएं। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की खुशियां कई रूप से बनेंगी, जिन्हें बनाए भी रखना होगा। हर चीज को कमी की नज़र से देखने से भी नुकसान होता है, इस बात पर भी गौर करने की जरूरत पड़ेगी ताकि आपका भरोसा जगा रहे। वैसे भी घर परिवार में अपनों से बनती हुई अच्छाई के चलते आपकी खुशियां बनी रह सकती हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में? अपने काम या कारोबार में अपनी लगन जरूर बनाए रखें, पर वहां पर किसी प्यार के रिश्ते को ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी मुश्किलें उभर कर आ सकती हैं। वैसे भी ये गलती भरा समय है, इसलिए खुद अपनी ओर से कोई गलती करते चले जाना भी ठीक नहीं है। वृषभ राशि वालों को अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाने से बचना होगा और किसी गलत फहमी की वजह से अगर ऐसा कोई फैसला हो रहा है तो उस पर पहले से नजर रखने की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी यह समय ऐसा है जिसमें रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। क्या करना चाहिए समय? पैसे की स्थिति कई रूप से ठीक हो सकती है, क्योंकि आपकी अपनी मेहनत से भी ऐसी अच्छाई उभर कर आ सकती है। फिर भी पैसे को संभालने की दिशा में गलती भी हो सकती है, इसलिए किसी से पहले एक बार मनन कर लेने की जरूरत है। जिंदगी की चुनौतियां भी कई रूप से अपना असर दिखाती हैं। आपके लिए तो इस समय बहुत सारी चीजें ऐसी बनी हुई हैं जिसमें आपको चुनौतियां ही नजर आ रही हैं। ऐसे में अपना धैर्य बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे विचार के पीछे ना भागें जिसमें आपके जानकारी की कमी और जिसमें किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश, इसलिए तकदीर को आजमाने के प्रयास में आप कोई इस समय गलती ना कर जाए। तकदीर के भरोसे कोई ब्लफ नहीं खेलना है आपको इस समय। सवाल लेना है श्रुति नरवाल, 27 दिसंबर 1992, 4:30 शाम को जन्म हुआ है मुंबई में। अच्छा, ये फैमिली की तरफ से पूछा गया सवाल है बेटी के लिए, श्रुति के लिए। तो पूरी फैमिली आपके तारे बहुत पसंद करती है, एक भी एपिसोड इसका मिस नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप हैं तो हम हैं। जानना चाहते हैं कि श्रुति अभी PhD कर रही हैं, कब तक इनकी जॉब लगेगी, फिर शादी कब तक होगी और शादी कैसी होगी? आपने अपनी बेटी श्रुति के बारे में पूछा जी। श्रुति की कुंडली है वृषभ लगन की और मकर राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा भी चल रही है बृहस्पति की 2021 तक। आपकी बेटी PhD कर रही है और आपने पूछा जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी। बहुत सारे सवाल होते हैं जिंदगी में। जॉब मिलने का एक समय तो चल रहा है, पर बहुत अच्छे से जॉब बन सकती है जी, कैरियर अच्छे से बन सकता है अब से 3.5 साल के बाद। और जहाँ तक शादी की बात कही तो शादी का भी एक समय चल रहा है, लेकिन क्योंकि अभी वो पढ़ रही है इसलिए अभी शादी नहीं करनी चाहिए। आगे चल के एक अच्छा समय बनेगा जनवरी 2021। आगे हम भी बढ़ेंगे साहब और अब जानेंगे कि मिथुन और कर्क आपके लिए क्या है ज्योतिष गुरु के पास, और क्या है करना, किससे है बचना। मिथुन राशि वालों की निजी जीवन की खुशियां इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि आप अपनी सूझबूझ बनाए हुए हैं। ये और बात है कि कभी कभी आपकी घबराहट उभर आए और आप परेशान हो जाएं, पर फिर भी कुल मिलाकर आप अपनी अच्छाई लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी अच्छाई इस रूप से बन रही है कि आपको तरक्की भी मिल जाए और उससे लाभ भी मिल जाए। ये और बात है कि उस लाभ को बनाए रखना या संभाले रखना कठिन हो सकता है, फिर भी इस समय की प्राथमिकता ये है कि आप अपनी सारी तवज्जो अपने काम के प्रति लगाए रखें ताकि आपको फायदा मिल सके।
अगर किसी कारोबार का विचार है मन में, तो ऐसे विचार को भी बहुत सोच समझ कर अंजाम देने की कोशिश करें। क्या ना करें, इस समय में कई तरह की ऐसी छुपी हुई मुश्किलें हैं जिसकी वजह से लोग आपके खिलाफ होते चले जाएं और फिर आपको लोगों की आलोचना सहनी पड़े। इसलिए इस समय ना तो किसी प्यार के रिश्ते को बिगाड़ें और ना ही किसी को इतना अपने खिलाफ कर लें कि कल को आपको अपनी मुश्किलों को संभालना कठिन होता चला जाए। कर्क राशि वालों की किसी गलत फहमी की वजह से अगर आपको नुकसान होगा तो उसका असर जिंदगी की बाकी कई बातों पर भी पड़ेगा। इस चीज़ का दूसरा पहलू भी है, अगर आपकी अपनी मेहनत में कमी आ जाएगी तो भी आपके लिए नुकसान की परिस्थितियां बनती चली जाएंगी। इसलिए सूझबूझ से चलना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए, समूह किसी भी तकरार को बढ़ावा देते चले जाने से बचना होगा। और अगर किसी बात को लेकर आपके मन में पहले से कोई एहसास है कि मुश्किलें उभर सकती हैं तो और भी सतर्क रहना होगा। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमारी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में कोई ना कोई कमी रह जाती है। क्या ना करें, इस समय अनुशासनहीनता की वजह से भी कई तरह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासकर सेहत से जुड़े ऐसे मुद्दे उभर सकते हैं जिसके बारे में सोचना ज़रूरी हो जाए। नियमित रहना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़ता चला जाए। डिसिप्लिन में अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी है ताकि सेहत पर कोई गलत असर ना पड़े। सिंह और कन्या राशि, देखिए किसी भी तरह का कहीं पर भी कोई गलत असर आप पर नहीं पड़ेगा, आपके तारे आपके साथ रहता है। इसीलिए आपको बताने के लिए कि आप क्या करें क्या ना करें, आज के लिए क्या है ध्यान से सुनिए। सिंह राशि वालों को अपने पैसे का सही इस्तेमाल करने के लिए अपने फैसले भी उसी रूप से करने होंगे। ऐसे में बहुत कुछ समझने की और संभालने की भी जरूरत पड़ेगी। रिश्तों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखने के लिए भी आपको लोगों की मदद करनी पड़ सकती है। क्या करना चाहिए, जिंदगी की खुशियां बनाए रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अपनी आर्थिक समृद्धि को अपनों के लिए इस्तेमाल करना भी उसमें एक बहुत अहम जरिया है। अपनों की खुशियों का ख्याल रखने से इंसान के अंदर ऐसे सुकून की भावना बनती है जो आपको लोगों से जोड़े रखे। क्या ना करें, इस समय में कामकाज के क्षेत्र में किसी ऐसे तकरार को जन्म न दें जिसके चलते आपके प्रदर्शन में कोई कमी आती चली जाए। इसलिए ऐसा कुछ ना होने दें जो आपके अपनों को भी आपके खिलाफ करता चला जाए। कन्या राशि वालों को घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए अपने कामकाज में ज्यादा लगन बढ़ानी होगी ताकि उसके चलते आपको बड़ी सफलता मिल सके और उस सफलता को आप अपनों के लिए भी इस्तेमाल कर सके। क्या करना चाहिए, इस समय देखिए इस समय की अच्छाई इस रूप से बनी हुई है कि क्योंकि लोग आपके प्रति सजग हैं और आपके सुख और सुकून में अपना योगदान दे सकते हैं। इस तरह का तालमेल जिंदगी में कभी कभी ही बनता है, इसलिए इसका पूरा फायदा उठा लें। क्या ना करें, इस समय में अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को लेकर कोई ऐसा मुद्दा ना उभरने दें जिसके वजह से कोई बहस छिड़ जाए और उस बहस का बुरा असर किसी तकरार के रूप में आपके घर परिवार पर पड़े। वैसे भी कभी कभी शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अपनी बात कहने के बजाय या मनवाने के बजाय दूसरों की बात ज़्यादा सुन लें। किसी के प्रति अविश्वास बनाए रखना भी ठीक नहीं। अविश्वास अपने मन से निकाल दीजिए दूसरों के प्रति। सवाल लेते हैं तरुण शर्मा का है, 18/4/2003 1:30 दोपहर में इनका जन्म हुआ है सहारनपुर। सवाल यह है कि पापा के बॉस के पास पैसा है मेरे पापा का, अच्छा इनके पापा का पैसा इनके बॉस के पास है और वो इनके पिताजी का पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। दो बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी भी करनी है तो घर में एक अजीब सा माहौल है। ये जानना यही चाहते हैं कि कब तक वो पैसा रिकवर हो जाएगा। फिलहाल इन्होंने अपने लिए पूछा है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पा रहा है, क्या करें। तरुण, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है शुक्र की 2022 तक। पापा के पैसे कहीं फंस गए, आपने ये सवाल पूछा, लेकिन उसके लिए अपने पापा की बर्थ डिटेल्स भेजें ताकि उसका विश्लेषण किया जा सके। आपने कहा कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, देखिए कुंडली भी ऐसा कह रही है और जब भी ऐसा हो तो आप इस बात को समझें कि इसका बुरा असर कहाँ तक जा सकता है। आपका कैरियर बनने में कमी रह जाए, आपको ज़िंदगी में सेटल होने में कोई ना कोई कमी रह जाए, तो इस बात को जब तक समझेंगे नहीं तब तक इसमें सुधार नहीं ला पाएंगे। और वैसे आपकी कुंडली का सही बिल्कुल साफ इशारा है कि थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत से आप अपनी पढ़ाई को सही दिशा दे सकते हैं और उसमें कोई कमी ना रहे, पर अभी फिलहाल बहुत कमी नजर आ रही है, उसे सुधारने की जरूरत। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करेंगे तुला और वृश्चिक आपकी। तुला राशि वालों के हालात मदद कर रहे हैं ताकि आपकी प्रेरणा बनी रहे और आप मेहनत कर पाएं, पर वही हालात आपके लिए किसी यात्रा या बदलाव का कारण भी बन सकते हैं जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। अपनों का ख्याल रखने के साथ साथ
अपने कामकाज की स्थिति को संभाले रखना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? देखिए, बदलता हुआ दौर है जिसमें आप अपनी पुरानी मुश्किलों को पीछे छोड़ दें और नए भरोसे के साथ आगे बढ़ सकें। ऐसा करने से ही आपके मन में बिठाई हुई परेशानियां हट पाएंगी और आप जिंदगी की तस्वीर को भली भांति देख पाएंगे। कामकाज की स्थिति को भी धीरे धीरे बेहतर तरीके से समझना आसान हो जाएगा। क्या न करें इस समय में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को सिर्फ धन लाभ की नज़र से न देखें, बल्कि उसे इस रूप से देखें कि उससे आपकी जिंदगी में कितना सुख और सुकून बन सकता है। धन लाभ से कहीं ज़्यादा जरूरी है कि जिंदगी की खुशियाँ बनी रहें। अपने नजरिया को किसी भी वजह से बिगाड़ते चले जाना भी ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका धन आगमन आपकी समृद्धि में इजाफा कर सकता है और आपकी सूझबूझ आपके फैसलों में आपको मदद कर सकती है। ऐसा करते हुए आपको अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को हटा देने की जरूरत है। बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति की वजह से कई तरह के अच्छे विकल्प सामने उभर कर आ सकते हैं जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भरते हैं। क्या करना चाहिए समय में? आपका भरोसा जगेगा तो आप अपनों के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे और आप अपने बच्चों के लिए भी बहुत सारी ऐसी संभावनाएं तलाश कर पाएंगे जो भविष्य में आपकी ज़िंदगी के सुख को बनाए रखें। इसलिए ये बहुत अहम समय है जब सही फैसले लेने की भी ज़रूरत है। क्या न करें समय में? किसी विचार विमर्श में सिर्फ अपनी ही बात कहते चले जाना और मनवाते चले जाना ठीक नहीं। इसलिए घर परिवार की परिस्थिति को लेकर कोई ऐसा मुद्दा न उभरने दें जो आपकी मुश्किलों का कारण बने। एक घर परिवार में कोई भी ऐसी चीज उठने मत दीजिए, उभरने मत दीजिए जो बाद में मुश्किल पैदा करे। मतलब प्रॉब्लम है तो उसको वहीं पर सुलझाने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात करते हैं धनु और मकर राशि आपकी, क्या है आपके लिए खास? धनु राशि वालों के लिए लोगों का साथ बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए लोगों से तालमेल भी बनाना होगा ताकि लोग आपको बेहतर तरीके से समझ सकें और आपको हर तरह की मदद भी कर सकें। ऐसा करते हुए आपको अपनी विनम्रता को बढ़ाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां इसी बात पर निर्भर करेंगी कि आप अपनों के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। सिर्फ सोचने के बजाय कुछ कर गुजरने का समय है, पर ऐसा करते हुए सही योजना बनानी होगी ताकि अपनी आर्थिक स्थिति का भी आप सही रूप से इस्तेमाल कर सकें। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे विचार को बढ़ावा न दे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा जुटाने की जरूरत पड़े। आर्थिक स्थिति वैसे ही ठीक है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि ज़्यादा पैसा जुटाकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को किसी खतरे में डालते चले जाएं। इसलिए अपने भरोसे को इतना भी ना जगाएं कि उसके चलते आपका कोई नुकसान होना शुरू हो जाए। मकर राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि सेहत की ओर जागरूक रहना जरूरी है। सेहत को लेकर अगर कोई बात पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी तो मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही करना ठीक नहीं। वैसे भी अपनी आदतों को लेकर या अपने खान पान को लेकर गलती करने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय? मुश्किल भरा दौर इस वजह से भी है क्योंकि लोगों की मदद के बावजूद आप अपने प्रयास में दिशाहीन होते चले जा रहे हैं। आमदनी ठीक है पर उसे संभाले रखना भी कठिन हो रहा है। काम काज की स्थिति भी ठीक है पर फिर भी आपकी ओर से गलतियाँ हो रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे बनते बिगड़ते विचार हैं जो आपकी मुश्किलों का कारण बन सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा बड़ा कदम उठाने की कोशिश ना करें जिसके चलते अपने कदम वापस खींचना मुश्किल हो जाए। किसी छोटी बात को भी इतना ना बढ़ा लें कि आपके नुकसान की परिस्थितियां बनती चली जाएं। इसलिए लोगों से मिलती हुई अच्छी सलाह को मान लें ताकि आपकी ओर से कोई गलती ना हो जाए। कुंभ और मीन राशि, अब आपका राशिफल और आपके लिए अचूक टिप्स ज्योतिष गुरु के। कुंभ राशि वालों के जहन पर कोई प्यार का रिश्ता छाया हुआ है, पर ऐसे में अपनों का साथ और सहयोग मिलने में कमी रह सकती है। इसलिए हर चीज़ को भली भांति समझना होगा, तभी अपने फैसले करने होंगे। क्या करना चाहिए समय? धन लाभ जिंदगी में अपनी ही अहमियत रखता है, पर कामकाज को बढ़ावा देना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस समय आपकी अच्छाई इस रूप से बनी हुई है जो आपको काम के प्रति लगन बनाए रखने में आपकी मदद करे। क्या ना करें इस समय में? अपनी अच्छी भली स्थिति को इस रूप से ना चलाएं जिसमें आपका कोई छुपा हुआ नुकसान हो। इसलिए अपने रोजमर्रा के खर्चों को भी इतना ना बढ़ाते चले जाएं कि वो बेकाबू हो जाए। मीन राशि वालों के लिए निजी जीवन की खुशियां बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको अपनों के साथ और सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी ताकि उसी अच्छाई को अपने कामकाज में भी लगाया जा सके। जिंदगी की बहुत सारी परिस्थितियां इस रूप से संभल पाएंगी क्योंकि जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी लगन अच्छी है। क्या करना चाहिए समय? अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का समय है जिसके लिए आपको अपनी कार्य क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। बड़ी सफलता भी मिल सकती है पर उस सफलता को सहेज लेना बहुत जरूरी होगा ताकि आपके फैसले सही रूप से किए जा सके। क्या ना करें समय? अपनी आर्थिक स्थिति को भली भांति समझने में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। इसलिए
ऐसा ना सोचें कि ज़्यादा पैसा जुटाकर आप अपने लिए खुशियां बटोर पाएंगे, क्योंकि देनदारी का बोझ बढ़ाते चले जाना किसी भी रूप से ठीक नहीं होता। अब जैकपॉट। कुंभ राशि वालों के लिए खास उपाय ये जी कि आने वाले 4 बुधवार को किसी भी मंदिर या पूजा स्थल पर जाएं। रोजमर्रा की चुनौतियां जो इस समय छोटी लग रही हैं, उन्हें भी समय रहते संभाल लेना बहुत जरूरी है, जिसमें ये उपाय आपके धैर्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, और अगर आप जिंदगी में कहीं पहुंचना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, नहीं बन पाए हैं, अपने अंदर झांकिएगा। आपके प्रयास ही उतने अच्छे उतने मजबूत नहीं थे कि आप वो चीज हासिल कर पाते। तो अपने प्रयास बढ़ाइए, अपना फोकस बढ़ाइए, हमारे साथ रहिए और वो हासिल कीजिए जो आप करना चाहते हैं। आईडी है आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर हो जाएंगे ज्योतिष गुरु को लेकर आपके तारे के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।